11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से बहुत सारे राज्यों में जो ऑनगोइंग भर्तियां थी वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि वो फैसला किस तरीके से लागू हो हाईकोर्ट इन सभी चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है। लगातार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, छत्तीसगढ़ में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर अपना जजमेंट दे दिया है और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। यहाँ पर अब 2 नए केस फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं, इसके बारे में डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे। मध्य प्रदेश का आगे क्या होने जा रहा है, जो एमपी वर्ग 3 है उसके बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर एक केस स्टेटस देख पा रहे होंगे जिसका डायरी नंबर 4303/2024। ये क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया है श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा। ये वही पिटिशनर हैं जिन्होंने जिनके नाम पर जो पहले याचिका थी जिसमें 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया और पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी जिस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल होते थे उस गजट नोटिफिकेशन को सेट असाइड करते हुए क्वैश कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जोधपुर हाईकोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड कर दिया गया। यहाँ पर अगर इस केस का फाइलिंग डेट आप देखेंगे तो 28 जनवरी 2024 का है, यानी कि हाल ही का ये केस फाइल किया गया है क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। इस केस को लिस्ट किया गया है 2 फरवरी 2024 को सुने जाने के लिए। किस बेंच में है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस श्री संजय कुमार जी के बेंच में ये लगा हुआ है। अनिरुद्ध बोस जी के बारे में मैं बता दूं, इनके द्वारा ही जजमेंट जो भगवान कृष्णा जी की याचिका में दिया गया था, इनके साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा अन्य जो मामले डिसमिस हुए हैं वो सब मामले इन्हीं के द्वारा डिसमिस किए गए हैं। और अभी हाल ही में जो स्पेशल बेंच बैठी थी जो कि ऑर्थर थे 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया जी, उनके द्वारा जो अभी हाल ही में बीएड वेलफेयर वाले मामले में मामले को सुनने के बाद से कॉस्ट के साथ डिसमिस किया गया वो मामले को सुना गया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 फरवरी 2024 को उसी बेंच में लगा है, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में इस मामले को सुने जाने के लिए। अब यहाँ पर इससे पहले भी श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा एक क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया था जिसके बारे में आप आगे देखने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 30 नवंबर 2023 को, ध्यान से देखिए 30 नवंबर 2023 को एक केस फाइल किया गया था जिसका डायरी नंबर 4980/2023। ये भी याचिका दायर की गई है श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये नवंबर 2023 में केस फाइल किया गया था जब जजमेंट आ गया था, उसके बाद से एक तो श्री अर्णब घोष जी की मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन गई थी और दूसरा श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा एक मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन डाला गया था जिसपे केस सुनवाई नहीं हुआ था, वो केस पेंडिंग में चला गया था। इस केस को भी लिस्ट किया गया 2 फरवरी 2024 को सुने जाने के लिए उसी बेंच में, देख लीजिए ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जी के बेंच में ये 2 फरवरी को मामला सुना जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब ऑलरेडी 30 नवंबर 2023 को क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन उन्हीं पिटिशनर के द्वारा जो कि 11 अगस्त के जजमेंट में याचिकाकर्ता थे के द्वारा दायर किया जा चुका था, तो फिर नया याचिका 2024 में 28 जनवरी 2024 को क्यों दायर किया गया। यहां पर मैं बता दूं कि पूरे देश भर में जो परिस्थितियां बीएड को लेकर के बनी हुई हैं उसके बाद से कुछ चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चली गई। जैसे कि आप देखेंगे जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाला मामला था वो उन सभी पॉइंट्स को लेकर के गया लेकिन उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस ही नहीं हुआ। यहाँ पर इस याचिका में अगर किसी जजमेंट किसी कोर्ट के द्वारा किसी बेंच के द्वारा अगर कोई जजमेंट दे दिया जाता और अगर पिटिशनर को ये लगता है कि इस पॉइंट पर चर्चा नहीं हुआ है तो वो पिटिशनर अगर चाहें तो उस पॉइंट को नया पॉइंट मतलब इंक्लूड करते हुए उसे रिव्यू के तौर पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो ये चीज़ें ठीक थी। इसके पहले जो अर्णब घोष जी की याचिका थी जो बीएड वेलफेयर वाला एसोसिएशन वाला मामला था वो सब उसका रिव्यू आप कह सकते हैं, मतलब कि वो इनडायरेक्ट वे में रिव्यू था, वो क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन मतलब कि जो कोर्ट है वो सिर्फ क्लेरिफाई करेगी कि वो जजमेंट किस तरीके से नई भर्तियों पर या फिर ऑनगोइंग भर्तियों पर प्रभावी होगा या फिर लागू किया जाएगा, ये सिर्फ इस बात के लिए क्लेरिफिकेशन था। लेकिन ये वाला जो है जो श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा दायर किया गया ये रिव्यू पिटिशन है। रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है उस जजमेंट को कोर्ट स्वतः फिर से समीक्षा करेगी कि क्या ये जजमेंट में कोई कमी तो नहीं है। अब जो पॉइंट इनके द्वारा बताया मतलब जो भी प्रेयर किया गया होगा उस पॉइंट के आधार पर कोर्ट फिर से एक बार अगर एक्सेप्ट करती है इस याचिका को तो उस पर सुनवाई करेगी कि हाँ ये पॉइंट है वैलिड है अथवा नहीं है, उस पर ये सभी चीजें चर्चा होंगी। अगर आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाला मामला देखेंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रेयर किया गया था
पहला तो ये जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया है तो प्राथमिक में जा नहीं सकते। अपर प्राइमरी में जब आप जाएंगे और टीजीटी में जाएंगे पीजीटी में जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, तो इस वजह से उनकी पूरी बीएड की डिग्री ही एक तरीके से खत्म हो जाएगी अगर वो प्राथमिक में नहीं रहेंगे। ये बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाले में प्रेयर किया गया था। इसके अलावा ये मांग की गई थी कि जो 2018 से लेकर के 2023 तक जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में प्रवेश लिए उनके बीएड डिग्री को हमेशा के लिए प्राथमिक में मान्य कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स को लेकर के चूंकि वो क्लेरिफिकेशन था, लेकिन ये जो है ये रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन में अपने जजमेंट को कोर्ट फिर से रिव्यू करने के लिए तैयार होगी अथवा नहीं, ये सब कुछ अब 2 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगा जब ये मामला सुना जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों मामला एक ही बेंच में और सेम डे पर लगा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे और एक ही तरीके से मामले की सुनवाई होगी। अब चूंकि ये नया प्रेयर क्यों किया गया जो जनवरी 2024 में डाला गया, तो जब उस समय नवंबर 2023 में प्रेयर किया गया था तो कुछ पॉइंट्स वहां पर छूट गए थे। तो यहां पर जो सारे राज्यों की परिस्थितियां हैं, जैसे बीएड वेलफेयर वाला एसोसिएशन वाला मामला ले लीजिए, पुरानी भर्तियों में इस फैसले को ना लागू किया जाए ये वाला मामला ले लीजिए, वो सब कुछ प्रेयर को एक कंपाइल करके एक नया याचिका तैयार किया गया जो कि जनवरी 2024 में दायर किया गया, जिसकी भी सुनवाई 2 फरवरी 2024 को होने जा रही है। अब आते हैं मध्य प्रदेश वाले मामले में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी चल रहा है और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसफर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। साथ ही साथ कल की सुनवाई में उनके द्वारा यह बताया गया कि एक और क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर डाली गई है। तो यहां पर देखिए हाईकोर्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि आप यहाँ पर पैरवी करिए, आप भले ही आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कराइए लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मामला पेंडिंग है तो हम अपना कुछ तो जजमेंट देंगे। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम यहाँ पर सुनवाई नहीं कराना चाहते हैं। उनका बार बार एक ही तर्क है कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर वो मामला जो अभी डिफेक्ट में है, अगर वो मामला क्लेरिफाई होकर के लिस्ट किया जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मामला निस्तारित होता है, ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट से अगर मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की अगर याचिका पर कोई मैटर डिसाइड होता है उसके बाद से हाईकोर्ट उसके बाद सुनवाई करेगी ही नहीं, उसके बाद से सीधे उसका डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ये हाईकोर्ट बंदी होती है, संविधान के अनुच्छेद में ये बातें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी हाईकोर्ट उसी को लागू कर देगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेयर किया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेयर किया गया है, जिस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं वही प्रेयर वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसाइड कर दिया तो हाईकोर्ट उस पर अब थोड़ी बहस करेगी। तो यहाँ पर चूंकि स्टेट का ये स्टैंड था कि हमारा जो मैटर है उसमें हमारा सर्विस रूल को लेकर के कोर्ट में बहस नहीं हुई, हमने देवेश शर्मा जी की याचिका में अपना पक्ष नहीं रखा, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहती है, हाईकोर्ट में नहीं रखना चाहती। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला लिस्ट होगा और वहां से मैटर जब डिसाइड हो जाएगा तब अब एक भी मामला पेंडिंग नहीं रहेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमारा ये वाला केस गुड्डू सिंह जी का केस पेंडिंग है, ये वाला केस पेंडिंग है, क्योंकि इसी तरीके से करते करते लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। आप देखेंगे अगर मध्य प्रदेश में लगातार ये मामला किसी नए मामले को लेकर के पेंडिंग चला जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के ये है कि अब मध्य प्रदेश वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जब लिस्ट होगा वहाँ से जब मैटर डिसाइड हो जाएगा तो हाईकोर्ट उसी मैटर को एक तरीके से लागू कर देगी और उसके बाद से जो भी होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। उसके बाद से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे डीएलएड के लिए भी और बीएड के लिए भी, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगी वो अंतिम एवं सर्वमान्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें अर्णब घोष जी की याचिका में देख लीजिए या फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की याचिका में देख लीजिए या फिर बिहार वाली याचिका में देख लीजिए, बहुत कुछ कैंडिडेट्स का कल के वीडियो में कमेंट आया था कि अर्णब घोष जी की जो याचिका है जो पश्चिम बंगाल से गई हुई है वो अभी अभ्यर्थी चयनित नहीं थे, वो ऑनगोइंग भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को जो पहले से एडवर्टाइज किया जा चुका है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को माने जाने के लिए प्रेयर किया गया था। और मध्य प्रदेश का मामला अलग है क्योंकि यहां पर अभ्यर्थी मार्च 2023 में ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं, तो दोनों मामला डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा इस मामले। अगर आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में अप्रैल 2023 में ये जजमेंट दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का हाईकोर्ट वेट कर रही थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑलरेडी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है उस जजमेंट के अधीन हाईकोर्ट के जजमेंट हो जाएंगे।
अब यहां पर आपको ऐसे भी समझना है कि अक्टूबर 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो जितने भी हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग थे ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया था। तो यहां पर ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती जब ऑनगोइंग थी, तब यहां से आईए दाखिल करके अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख चुके थे, जिसके बारे में जब हाईकोर्ट को पता चला तो हाईकोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया। और जब बकायदा जस्टिफिकेशन दिया गया बीएड के एडवोकेट्स के द्वारा माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तब जाकर के वो केस को सुनने के लिए तैयार हुए। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि जो भर्ती हुई है मध्य प्रदेश में, ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में जो भर्ती हुई है, अगर वो भर्ती कंप्लीट हो जाती, ध्यान से समझिए, अगर वो भर्ती कंप्लीट हो जाती उसके बाद जाकर के अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट उस भर्ती को चैलेंज करते, सर्विस रूल को चैलेंज करते, एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते, तब परिस्थितियां अलग होती। ये भर्ती जारी रहने के साथ ही ऑलरेडी हाईकोर्ट में चैलेंज थी और हाईकोर्ट ने इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रखते हुए उस जजमेंट का वेट कर रही थी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो वो मैटर डिसाइड ही नहीं हुआ हाईकोर्ट से, ध्यान से समझिए, वो मैटर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि वो मैटर पेंडिंग था कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब यहां पर फिर यही सवाल आएगा कि जो कैंडिडेट 2020 में जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 2021 में जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस जजमेंट के बाद से जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा अपील दाखिल की गई बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से दूर रखने के लिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन क्वेश हो चुका है, तो उस पेंडिंग एप्लीकेशन में कोई जजमेंट तो दिया नहीं गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब चूंकि हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था, इस वजह से उन अभ्यर्थियों के साथ अगर आप देखेंगे तो उनका डिसीजन आए बिना उनको जो डीएलएड कैंडिडेट चयनित हो सकते थे उनके साथ अन्याय हुआ। तो इस वजह से ये एमपी वाला जो मामला है वो अलग मामला है, और जो अगर आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो अलग मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है वो 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। तो उसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसका नजरिया अलग होगा हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। और जो मध्य प्रदेश की भर्ती है वो तो शुरुआत से ही माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज थी और शुरुआत से ही ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती है, जो गुड्डू सिंह जी की याचिका है, और जो मध्य प्रदेश में याचिका चल रही है जो कि हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है, और हाईकोर्ट ने कल तीखे प्रश्न भी पूछे थे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से कि क्या आपको हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, आप इस मैटर को क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उस पर कोई भी जस्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया गया। उनके पास सिर्फ एक पॉइंट था कि लॉ में ये प्रोविजन है कि हम अपने मामले को ट्रांसफर करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना निश्चित तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि बीएड जो मध्य प्रदेश बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए ही नुकसान हो जाए, क्योंकि वहां से अगर मैटर डिसाइड होता है उसके बाद से कोई भी विकल्प नहीं बचेगा बीएड मध्य प्रदेश के पास। और चूंकि ये मामला ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम था, इस वजह से इसमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को शायद ना मिले। बहुत कुछ अगर चमत्कार होता है तभी वहाँ पर चीज़ें पलट सकती हैं, अन्यथा की कंडीशन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये केस दिख रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।